नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन मूवियों के बारे में। सबसे पहली मूवी है जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं दोस्तों दूसरी मूवी की बात करें, दूसरी मूवी है बॉबी देओल की जो कि वेब सीरीज आश्रम सीजन 3 के ओटीटी व्यू के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि आज के दिन ये कितने व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और वहीं दूसरी मूवी की बात करें तो दूसरी मूवी है जो कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बॉब विश्वास मूवी, इसे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि यह जो कि अपने आज के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितने करोड़ रुपया कारोबार करी थी, और साथ ही साथ आप लोगों को इन तीनों मूवियों के कलेक्शन के बारे में बताएंगे। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि यह मूवियाँ कितनी जोरदार और कितनी शानदार तरीके से पब्लिक और क्रिटिक्स ने इस मूवियों को रिव्यू दिया। दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बॉब विश्वास मूवी से। तो आप लोगों को बताया चले कि अभिषेक बच्चन की यह मूवी जो कि एक ओटीटी पर रिलीज हुई थी, इसको डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्ण घोष ने, और वहीं इस मूवी को लिखा है उनके पिता सुजाय घोष ने। आप लोगों को बताया चले कि बॉब विश्वास जो कि एक ऐसी वेब सीरीज थी अभिषेक बच्चन की, जिसे ऑडियंस, क्रिटिक्स और वहीं दोस्तों जितने भी रिव्यू देने वाले थे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सब ने बहुत ही जोरदार तरीके से रिव्यू दिया। और साथ ही साथ बॉब विश्वास मूवी को अच्छी खासी ओपनिंग भी मिली और अभिषेक बच्चन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक चाहे वो एक्शन हो, और वहीं दोस्तों जिस तरीके से अभिषेक बच्चन का इस फिल्म में रोल था, यानी कि वह एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने अपने वजन भी इस मूवी में बढ़ाया था, इससे मालूम चलता है कि अभिषेक बच्चन अब कितने जोरदार तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी मूवियां भी ला रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इनकी और भी मूवियां ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं। तो दोस्तों आज की बात करें तो आज के दिन इन्होंने जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे व्यू हासिल कर रहे थे, कलेक्शन 6 करोड़ रुपए का था और व्यू 20 मिलियन थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी सीरीज के बारे में, यानी कि दूसरी आश्रम सीजन 3 के ओटीटी व्यू के बारे में। तो आप लोगों को पता चले कि आश्रम सीजन 3 इस जो कि सीजन का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है तीसरे का, और दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि बॉबी देओल ने जिस तरीके से कमबैक किया है और जिस तरीके से ऑडियंस इन्हें प्यार कर रही है और जिस तरीके से एमएक्स प्लेयर पे इनकी ये सीरीज को देखा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जोरदार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीजन को जो कि यूथ बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है और देखना भी इसे पसंद कर रहा है, क्योंकि बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत ही फाड़ दिखाई गई है। आप लोगों को पता ही चले कि बाबा निराला का किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल, और वहीं दोस्तों कैरेक्टर बड़े ही अजीब रखे गए हैं, उनके नाम भी बड़े अजीब रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा निराला, पम्मी पहलवान, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि भोपा स्वामी जैसा नाम रखा गया है, जिसको ऑडियंस सुन के जो कि देखने जरूर जा रही है एमएक्स प्लेयर पर, इसी कारण इसको अच्छे खासे व्यू मिल रहे हैं। इसने मात्र 32 घंटों में ही 100 मिलियन का व्यू पार कर लिए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही बड़े नंबर है और बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसे पहली बार ऐसा हुआ है कि आश्रम सीजन 3 को अच्छे खासे रिस्पॉन्स और इतने व्यू हासिल हुए हैं, वो भी 32 घंटों में। आप लोग बताइए चले कि आज के दिन भी यह वेब सीरीज बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से तबाही मचा रही है। दोस्तों इस सीजन में जो कि जिस तरीके से बॉबी देओल ने एंट्री करी और जिस तरीके से एक्शन दिखाया गया है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जोरदार। आप लोगों को बताइए चले कि इसका जो कि चौथा पार्ट भी आएगा, जी हाँ दोस्तों 2023 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गई है चौथे सीजन को देखने के लिए। चौथे सीजन की डिमांड बहुत ही जोरों शोरों से करी जा रही है। बात करें व्यू के बारे में, तो आज के दिन ये जो कि वेब सीरीज 20 मिलियन व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और कलेक्शन बहुत ही जोरदार कर रही है, कम से कम ये अपने आज के दिन 8 करोड़ रुपया कलेक्शन कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे व्यू के द्वारा ही जो कि कलेक्शन माना जाता है, इसी कारण बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन कर रही है ये फिल्म। दोस्तों आप बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो दूसरी मूवी है अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता चले कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि बहुत ही जोरदार मूवी है,
हालांकि इसके कलेक्शन बहुत ही जोरदार तरीके से नहीं हुए, लेकिन मूवी बड़ी ही शानदार है और बहुत ही जोरदार है। इस मूवी को जो कि बहुत ही अच्छी खासी ओपनिंग मिली और साथ ही साथ इस मूवी को टैक्स फ्री भी कर दिया। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि टैक्स फ्री होने के कारण इस मूवी को बहुत ही जोरदार तरीके से पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला और इस मूवी को देखने भी जा रहे हैं। आप लोगों को बताया चले कि अक्षय कुमार इस फिल्म में है और वहीं संजय दत्त, सोनू सूद और मानुषी छिल्लर भी इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने और वहीं इस फिल्म का बजट बहुत ही जोरदार था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई थी यह फिल्म। आप लोगों को बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान में जिस तरीके से स्टोरी दिखाई गई है और जिस तरीके से कैरेक्टर डाले गए हैं और जिस तरीके से अक्षय कुमार, सोनू सूद और वहीं संजय दत्त, मानुषी छिल्लर ने एक्टिंग करी है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जोरदार, जिसके कारण ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट कर रही है। और अक्षय कुमार ऐसी मूवियां बनाते हैं जिसमें बच्चों और बड़ों को भी कुछ देखने को मिले और कुछ सीखने को मिले, जिसके कारण अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है और अक्षय कुमार को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वहीं अक्षय कुमार की हर मूवियाँ देखना पसंद करते हैं। और अक्षय कुमार जो कि साल में 4-5 मूवियाँ लाते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि अब इनकी यह मूवी जो कि शानदार तरीके से कलेक्शन करेगी क्योंकि टैक्स फ्री होने के कारण इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को पता ही चले कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने पहले ही दिन 10 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया था। बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार ओपनिंग थी और वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 12 करोड़ 30 लाख का कारोबार था, बहुत ही लाजवाब था। और दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म ने तीसरे दिन बढ़ोतरी दिखाई और जोरदार तरीके से कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन 16 करोड़ 1 लाख का कारोबार किया। हालांकि आप लोगों को बताया चले कि चौथे दिन थोड़ा इस फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपया कलेक्शन किया और वहीं पांचवें दिन इस फिल्म ने 4 करोड़ 25 लाख का कारोबार किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर। आप लोगों को बताया चले कि छठवें दिन इस फिल्म ने और भी अच्छा खासा कलेक्शन नहीं किया, लेकिन इस फिल्म ने जोरदार तरीके से ओपनिंग ली। छठवें दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया। हालांकि इस फिल्म ने सातवें दिन 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि इस फिल्म ने अपने 7 ही दिनों में 55 करोड़ 25 लाख का कारोबार कर लिया है सिनेमाघरों में। दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि यह मूवी जो कि आज के दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग ले रही है और अपने आज के दिन कम से कम 4 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। दोस्तों अगर आप लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी देखी है तो आप लोगों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ बॉब बिश्वास मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो ओटीटी पर जाके आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है जो कि बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज, अगर उसे आपको देखना है तो आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएगी वो MX प्लेयर पर। दोस्तों ये तीनों मूवियां आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारा और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन धड़ करके आ जाए और आप उसका कलेक्शन और वहीं उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।